दोस्तों आज मैं आप लोगों को 16 ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोगों का वजन जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। वजन कम करते ही आप अपने आप को जब आईने में देखेंगे तो आप अपने आप को फिट एंड स्लिम पाएंगे, आप अपनी कमर की साइज जो है वो कम पाएंगे और जो भी कपड़े आप लोग पहनना चाहेंगे वो बिल्कुल आप अपने आप को सूट कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि वज़न कम करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है आज बन गया है और नेचुरल तरीके से आप लोगों का ये वज़न जो है वो कम होगा मात्र इन 16 टिप्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की जो टिप है वो है ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि आप लोगों को पानी जो है वो बहुत अधिक पीना है। कहने का मतलब है कम से कम इतना पानी कि जिससे आप लोग हाइड्रेट रह सकें, आप लोगों को कोई बीमारी ना हो और जितना भी फैट आप लोगों के शरीर में है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाए। नंबर दो जो टिप है, दूसरी जो टिप है वो है इलिमिनेटेड शुगर स्वीटेंड बिवरेज, यानी कि आप लोगों को अपने फूड से जो सफ़ेद चीनी है या आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उनको आप लोगों को रिमूव करना है ताकि आप लोग एक्स्ट्रा वेट जो है वो गेन नहीं कर पाए। तीसरी टिप्स जो है वो इस प्रकार है, मोनिटर पोर्शन साइज। बहुत सारे लोग जो हैं कैलोरीज को काउंट करते रहते हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने प्लेट की साइज़ ही छोटी कर दीजिए ताकि आप लोग कैलोरी को कम कर पाएँ। नंबर फोर जो टिप है वो है कुक एट होम, यानी कि आप अपने खाने को घर पर बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने अपने घर घर पर ही खाना बनाते हैं और वही खाते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी जो है फील करवाएंगे और जल्दी अपने आप को फिट एंड स्लिम पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग घर पर खाना बनाते हैं तो आप अपनी इच्छा का खाना बना सकते हैं और हेल्दी खाना जो है आप लोगों को मिलेगा। तो अपने घर पर ही खाना जो है बनाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट टिप है, यानी कि फिफ्थ नंबर की टिप है, इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लीजिए ताकि आप लोग अपने फैट को कम कर पाएं, कार्ब्स की मात्रा को कम कर लीजिए और प्रोटीन ज़्यादा कर लीजिए जिससे हंगर हार्मोन कम हो जाए। नंबर सिक्स जो टिप है वो है ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फलों का सेवन करते हैं तो आप लोग बेकार के भोजन से बच पाएंगे और आप अपनी भूख को कम कर पाएंगे जिससे आप लोगों का वेट कम होने लग जाएगा। नंबर सेवन जो टिप है वो है ईट लेस स्टार्चेस, यानी कि कुछ ऐसे फूड्स जिससे आप लोगों को एनर्जी मिलती नहीं है बल्कि फैट मिलता है, जैसे कि आलू और सफ़ेद चावल, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को फैटी बनाते हैं। नंबर एट जो टिप है वो है गेट फिजिकली एक्टिव, यानी कि आप लोगों को हमेशा एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं तो आप अपना वज़न जो है वो जल्दी कम कर पाएंगे, इसीलिए सुबह की ब्रिस्क वॉक या मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर नाइन टिप है ट्राई व्हीट ग्रास जूस या शॉर्ट्स हम लोग कह सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस की आप लोगों का जो हम लोग कहें कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो नियंत्रित रहता है और आप लोगों की शुगर जो है ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है जिससे वेट जो है वो कम रहता है। नंबर टेन जो टिप है वो है स्टॉक अप ऑन ग्रीक यॉगर्ट, यानी कि दही का इस्तेमाल, बिना वसा वाला जो दही है उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए ताकि आप लोगों के शरीर को प्रोबायोटिक्स मिल सके, एंजाइम्स मिल सके और आप अपने खाने में खाने को जल्दी पचा पाएँ, पाचन तंत्र अच्छा रह पाए। नंबर 11 टिप है कट बैक ऑन द कैफीन, यानी अपने भोजन से कैफीन को बिल्कुल ही हटा दीजिए, क्योंकि कैफीन जो है आप लोगों के माइंड को इतना सेट कर देती है कि पोषक तत्वों को आप लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो जो भी पोषक तत्व खाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, आप लोगों के शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते कैफीन से। नंबर 12 जो टिप है वो है ईट मोर डार्क लीफी ग्रीन्स, यानी कि पत्तेदार अगर आप लोग भोजन सब्जियों का सेवन करते हैं तो आप लोगों के शरीर को प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल सभी मिलते हैं जिससे आप लोग अपने वजन को जल्दी कम कर पाते हैं। नंबर 13 टिप है एड इन चिकपीस ऑन योर डाइट। चिकपीस के अंदर आप लोगों को प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आप लोग हफ्ते में 3 बार जो है चिकपीस का सेवन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चिकपीस के इस्तेमाल से आप अपना वेट जो है वो बहुत जल्दी कम कर पाते हैं, खासकर बैली फैट। जो लोग बैली फैट, जिनका बैली फैट बहुत अधिक होता है वो, उन लोगों को चिकपीस का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए। चिकपीस जो हैं विटामिन्स में भी होते हैं और फाइबर कंटेंट भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही ऐसे तत्व जो वेट को कम करने में और फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं।
नंबर 14 जो टिप है वो है फील फुलर विद एवोकाडोज, यानी कि एवोकाडो के अंदर एक अच्छा फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आप लोगों के वजन को कम करने में और आप लोगों के शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने आप को अगर आप फुल महसूस करवाना चाहते हैं तो एवोकाडोज खाना शुरू कर दीजिए। नंबर 15 जो टिप है वो है ऐड इन मोर नट्स, यानी कि अपने खाने में नट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ाना शुरू कीजिए, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो किशमिश हो, चाहे वो काजू हो, कोई भी नट्स हो आप लोग उसे खाइए, ताकि आप लोग अच्छा फैट मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके और ओमेगा 3 और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल सके, जिससे बैली फैट कम हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और लास्ट टिप ये है जो आप लोगों के लिए हमेशा और हमेशा बेहद रही है, जैसे कि नंबर 16 टिप है, चूज़ व्हेन टू हैव योर चीट मील्स। ऐसे भोजन को खाना बंद कर दीजिए जिसमें प्रोसेस फूड्स और हाईली प्रोसेस फैट हो। धन्यवाद।